नेता नहीं है साहब, एग्रेसिव है और वो हमें ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, इंसल्ट करना चाहते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आपके टेलीविजन पे बैठे हुए आपके कई मिनिस्टर्स और जनरल्स, उनकी लैंग्वेज देखें जरा, उनकी बातें देखें आप क्या है। उन्होंने तो पूरा अपना एजेंडा बता दिया है क्या पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, तो ये हमें मालूम है। तो हमारे साथ वो हमें इंसल्ट कराती है, बातें तो दोनों तरफ से एक जैसी हो। नहीं, पाकिस्तान से नहीं होती, ये गलत आप कह रहे हैं। देखो, ये गलत बात मत करो, गलत बात करोगे तो मैं उसे काउंटर करूंगा। बिल्कुल पाकिस्तान से ऐसी बातें, जब आप करते हैं ऐसी बातें तो पाकिस्तान करता है। देखें ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान जैसे मैंने कहा हम आपके 1/3 हैं, हमारी फौज आपसे 1/3 है जी। हम एग्रेसिव नहीं हो सकते, हम डिटर कर सकते हैं, मत आना हमें हाथ मत लगाना, हम आपके हाथ काट देंगे, ये हम कह सकते हैं और ये हम कहेंगे। ठीक है, आपकी हिकमत ये है, ये हमारे पिक्चर है। कभी आप कह देते हैं कि कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी करेंगे, हम पाकिस्तान फौज को मार देंगे, तो मारो तो सही, आओ फिर बताते हैं कैसे मारोगे। तो ये बातें मत करें आप ऐसी, आपकी तरफ से आतंकवाद होता रहेगा और हमारी तरफ से हम पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारते रहेंगे, यही होता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये आप बार बार दूसरी दफा कह दिया पाकिस्तान में घुसकर आप मारते रहेंगे, आपको ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे तो हम आपको वापस नहीं जाने देंगे, तो इसको ये दोबारा रिपीट ना करें। अच्छा जनरल साहब, अब जरा राजनीति में वापस आते हैं। नवाज शरीफ और आपके संबंध कितने अच्छे या कितने बुरे रहे हैं दुनिया जानती है, लेकिन नवाज शरीफ ने दिसंबर में एक बयान दिया जिसको मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। अंग्रेजी का बयान है, अगर आप चाहें तो हिंदी में भी बता सकता हूँ। उन्होंने लिखा कि नहीं, हिंदी अंग्रेजी मैं आपसे बेहतर शायद जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर, हिंदी में अंग्रेजी में पढ़े। मुशर्रफ इज अ बिग कावर्ड हु इज हाइडिंग अब्रॉड, इफ एनी करेज इज लेफ्ट इन हिम ही शुड रिटर्न एंड फेस केसेस अगेंस्ट हिम। मुशर्रफ इज एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही मस्ट बी पनिश्ड फॉर दैट, ये कहना है नवाज शरीफ कोई चीज कह रहा है जी, यानी आप एक मेरा दुश्मन है उसको आप कोट कर रहे हैं कि वो आपके बारे में ये कह रहा है कि मैं डरपोक हूं। और देखो भाई मेरे, मैंने जंगें लड़ी हुई हैं, मैं आपको अब मैं क्या बताऊं, मैं कारगिल जब हो रहा था जी तो मैं हिंदुस्तान में उतरा हूं, मैं उधर हिंदुस्तान में मैं गया हूं वहां, ठीक है जी, मैंने कदम रखा है उधर पहाड़, आपके पहाड़ों में मैं खड़ा रहा हूं वहां अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये करेज मुझे मत सिखाओ, मैं इंडिविजुअल करेज, मैंने जंग 65 में मैं गारंटी अवार्ड मुझे मिला हुआ है, 71 वॉर मैंने लड़ी हुई है, कारगिल मैंने, सियाचिन देखे, सब कुछ देखा भाई। किस कौन कह रहा है ये, नवाज शरीफ ने देखा भाई, नवाज शरीफ को दिलेर आदमी है, तो क्या फिर आप वो लड़वाने वाली बात करें, वो एक फजूल किस्म की बात उसने की है, उसका मैं क्या जवाब दूं, मैं जवाब ही नहीं देना चाहता हूं, छोड़े। वन बेल्ट वन रोड के प्रोग्राम के तहत ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान ने अपने पूरे उन प्रांतों को आज चीन के हवाले कर दिया है, उन प्रोविंसेस को जिन पर वो अपना एका बनाने की बात करते थे, खास करके बल्टिस्तान गिलगिस्तान इन तमाम इलाकों को आज अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि वहां पर चीन का ज्यादा अधिकार है पाकिस्तान का कम, क्या इसको आप क्या कहेंगे? ये कहां की बातें आप कर रहे हैं, मतलब ठीक है वन बेल्ट वन रोड के तीन हिस्से हैं तो आपको पता ही होंगे जी, एक नॉर्दर्न कॉरिडोर है जो सीधा उधर बीजिंग से चल रहा है और रॉटरडैम जा रहा है और लंदन जा रहा है थ्रू पूरा ट्रेन का जी, दूसरा सेंट्रल कॉरिडोर है जो शंघाई से चल रहा है और पेरिस जा रहा है, तीसरी की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू जो चीन के थ्रू आ रहा है, काशगर आ रहा है और सीधा ग्वादर जा रहा है, ये आपको तकलीफ हो रही है, बड़ी सख्त आपको तकलीफ है इसके बारे में, क्यों है आपको तकलीफ जी, क्या व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या आपको तकलीफ क्यों है? और ये जो आप कह रहे हैं कि पूरा नॉर्दर्न नहीं हो गया, ये पूरा 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 नॉर्दर्न एरिया चीन ले गया, तो पूरा ये किसने कह दिया भाई मेरे आपको, ये पाकिस्तान है, यस ये इसका फायदा हमें बहुत है, ये इसका सीपैक का और ये जो आप कह रहे हैं वन बेल्ट वन रोड का जी, उसका तीसरा कॉरिडोर सदर्न कॉरिडोर, उसका पाकिस्तान को बहुत फायदा है और हम बिल्कुल हम ये करेंगे और ग्वादर पोर्ट को हम बिल्कुल बनाएंगे, चाहे आप बिका नहीं है, आप बिका नहीं है, आप रोकना चाह रहे हैं उसे, हम नहीं रुकेंगे, हम जरूर बनाएंगे, आप जितना भी रोते रहे।